हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, पुरुष है, लड़के और खिलाड़ी है, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि गलफड़ा का संबंध जिस प्रकार से मछली लिखा है तो उसी प्रकार से मानव का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, तो इस सीरीज के जगह पर इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 305 है दोस्तों, जिसने पार्ट 304 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, UPSI, UP पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LSU, MTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MV पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से गलफड़ा का संबंध मछली लिखा है तो उसी प्रकार से मानव का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए, अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। ये देखिए बताते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, गलफड़ा का संबंध मछली लिखा, यानी जिस प्रकार से देखिए मछली जो है हम लोगों का क्या करती है दोस्तों, गलफड़ा से हम लोगों का क्या करती है, सांस लेती है, इसीलिए यहाँ पर सांस से संबंधित दिया है। तो उसी प्रकार से मानव जो है दोस्तों, हम लोगों का नाक से क्या करता है, सांस लेता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर सांस से संबंधित दिया गया था, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी मछली जिस प्रकार गलफड़ा से सांस लेती है उसी प्रकार से मानव जो है नाक से सांस लेता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। जैसे हम लोगों के सामने D है, उसके बाद H है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है L, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने R, और यहाँ पर दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए बताते हैं कि D से यदि H पे जाएंगे दोस्तों क्या करना होगा, कितना लेटर जोड़ना होगा, किस में, ABCD में, तो D से H पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 लेटर, क्यों, क्योंकि D के बाद EFGH, उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, कितना लेटर, 4 लेटर जुड़ा है। तो उसी प्रकार से L से यदि हम लोग इस पे आ रहे हैं दोस्तों, कितना लेटर जुड़ा है, 6 लेटर जुड़ा है। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 6 लेटर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जैसे ही 18 में 6 लेटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, X हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कर रहे हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। ये देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर इन छोटे नंबर को ऐसा क्या कर दें दोस्तों, जितना भी छोटे नंबर है जो बड़ा वाला संख्या आ जाए, सभी छोटे संख्या को ऐसा क्या करें जो बीच वाला बड़ा संख्या आ जाए, उसी प्रकार से सभी छोटे संख्या को क्या करें दोस्तों, जो बीच वाला संख्या आ जाए। ये बात आपको सोचना, हो सकता है सभी संख्या को जोड़ दिया होगा, हो सकता है एक दूसरे संख्या को गुना करके जोड़ा होगा, तो ऐसे आपको सोचना होगा, बैठे रहने से नहीं होगा, बल्कि एक बार कोशिश करना होगा दोस्तों, कॉपी में
यानी पेन ले पेपर लेके बैठिए। ये देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या, उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए पांच अगुना क्या कर दिया दोस्तों, चार कर दिया, प्लस का प्लस इधर कर दिया दोस्तों, दो अगुना क्या दोस्तों, तीन कर दिया, तो पांच हो गए बीस, आ प्लस तीन दुना छह, यानी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, छब्बीस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर देखिए किस तरीके से हुआ है, यानी कहने का मतलब इधर से सीधा सीधी लिए हैं दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए, और यहाँ पर इधर से यानी सीधा सीधा लिया है, यानी कहने का मतलब अभी आप समझ जाएंगे। एक बार अच्छे से देखिए दोस्तों, सरसरी निगाह से देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जैसे इस प्रकार से किया तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हो जाएगा आठ अगुना क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने चार प्लस का प्लस, उसके बाद इधर ले लेंगे हम लोग पांच अगुना क्या दोस्तों, छ कर देंगे, तो ये देखिए आठ चौक बत्तीस, प्लस छ पंच तीस, जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोगों का, बौसठ हो जाएगा। तो वही बौसठ यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से देखिए अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका निकालना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा पांच अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने सात हो जाएगा प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने तीन अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, आठ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, सात पचे पैंतीस, प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों आठ दिया चौबीस, यानी कि पैंतीस और चौबीस को जैसे ही जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जा रहा है, देखिए पाँच चार नौ, इधर हो जाएगा दोस्तों तीन दो पाँच, यानी उनसठ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा दोस्तों हम लोगों का, उनसठ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा था वहां पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, उनसठ कैसे आया वो भी बात आपको बता दिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी उनसठ ऑप्शन नंबर दो में दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। देखिए पुरुष है, लड़के हैं, खिलाड़ी, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए तो आप इस प्रश्न का आंसर कौन सा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने भी हम लोगों के सामने, देखिए बताते हैं हम, जितने भी हम लोगों के सामने लड़के होंगे वो सारे लड़के हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, पुरुष के अंतर्गत चले जाएंगे, क्योंकि जितना भी लड़का है सब क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने पुरुष है, तो इसको इस तरीके से बना लीजिए। और कुछ लड़के पुरुष हम लोगों का क्या हो सकते हैं दोस्तों, खिलाड़ी, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, खिलाड़ी हो जाएगा, और इसका कुछ हिस्सा ले जाके इसमें इस तरीके से कर देंगे। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यानी कि जितने भी लड़के हैं वो सब क्या होंगे, पुरुष के अंदर में जाएंगे, और कुछ लड़के और पुरुष क्या हो सकते हैं दोस्तों, खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, भिन्न का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ए एफ के और डी, तो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, इसमें रेखा का प्रयोग किया, जैसे ए जो लिख रहे हैं, देखिए ए जो लिखे थे इसमें तीन रेखा का प्रयोग हुआ, उसी प्रकार से एफ जो लिखे थे इसमें भी तीन रेखा का प्रयोग किया, उसी प्रकार से देखिए ये जो के है दोस्तों और यहाँ पर ऐसे किया है इसमें भी हम लोगों के सामने तीन रेखा का प्रयोग किया, लेकिन ई डी में जो है रेखा का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी में इसमें तीन रेखा है, इसमें भी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, तीन रेखा है, सब में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तीन तीन रेखा दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक बात लिख देंगे, ये सभी में, यहाँ पर नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं, ये सभी में तीन रेखा का प्रयोग किया, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, तीन रेखा का प्रयोग लिख भी दिए, तीन रेखा का प्रयोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तीन रेखा का प्रयोग। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर डी में रेखा का प्रयोग किया ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर फोर क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए तरीका सबसे, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा कि बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया, इसके पश्चात चार शब्द दिए गए, इसमें से केवल एक शब्द ही दिए गए शब्द के अक्षरों से यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों बनाया जा सकता है, वह शब्द बताइए, तो कौन सा हम लोगों का बनाया जा सकता है दोस्तों, वही बात आपको बताना है इनमें से। तो यहाँ पर देखा जाए कि आखिर हम लोगों का कौन सा बनाया जा सकता है, जैसे देखिए आई है, उसके बाद एम है, उसके बाद पी ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी और टी, तो हम लोगों का यही वाला बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि पहला ही हम लोगों का मिल गया, ये सारा मिल गया, आई, उसके बाद एम, उसके बाद पी ए,
उसके बाद यहाँ पर लिखा है सी और यहाँ पर क्या है दोस्तों टी। तो कहीं भी आप उतना बड़ा में से आप कहीं भी एक एक लेटर को देखिए ना, कौन कौन मिल रहा है, सारा मिल रहा है। तो यही आप लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट, एक बार समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। वहां पर करा कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो उसी में से, यानी कि आपको ये नहीं देखना कि इसका कोई मीनिंग निकालना, ऐसा नहीं, बल्कि आपको देखना होता है कि इसमें कौन कौन लेटर मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मीनिंग खोजने लगते हैं कि सर हमको तो इंग्लिश में आता ही नहीं, बस ऐसे प्रश्न को छोड़ दे। बल्कि इंग्लिश नहीं भी आ रहा तो भी आप इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे, बस अर्थे आपको सिर्फ लेटर इसमें एक एक खोजना होता है। बस इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है कि सी ए टी का जैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर दे दिया दोस्तों की सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। तो ठीक है, इसका संबंध क्या क्या लिखा है, देखिए सी ए टी का लिख दिया है दोस्तों बी ओ ए और टी। तो ये देखिए यहाँ पर कर लीजिए बी, उसके बाद ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ए और क्या लिखा है, टी लिखा है। तो कर लीजिए ये देखिए बी ओ ए टी। उसी प्रकार से ये देखिए इसका क्या लिखा है दोस्तों, यानी कि एक्स है, उसके बाद जेड एक्स। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे, जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट, यहाँ पर ये देखिए यहाँ कर्मशः लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जैसे देखिए सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद लिखा है टी। उसी प्रकार से आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बी ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने ए और क्या दोस्तों, टी। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने इसका पूछा जा रहा है ई, उसके बाद डबल जी का पूछा जा रहा था। एकदम अभी देखिए ना, आप देखते चलिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, समझ जाएंगे कि कर्मशः दिया है दोस्तों, यानी इसके लिए कैट के लिए यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या प्रयोग लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा है, उसके बाद जेड लिखा है, और उसके बाद जी लिखा है। उसी प्रकार से बोट के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया दोस्तों, उसने ये प्रयोग किया है, यानी वाई है, उसके बाद हम लोगों के सामने L, उसके बाद लिखा है जेड, उसके बाद लिखा है जी। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या दोस्तों, विपरीत क्रम, यानी C का उल्टा X होता है, A का उल्टा जेड होता है, T का उल्टा G होता है, उसी प्रकार से B का उल्टा Y होता है, O का उल्टा L, A का उल्टा जेड, T का उल्टा G। यानी यहाँ पर एक बात लिख देंगे दोस्तों, विपरीत क्रम क्या लिख देंगे हम लोगों का, विपरीत क्रम का यहाँ पर पैटर्न चला है, याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से ई का विपरीत क्रम जी होता है, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, ई का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने क्या होता है, जी। उसी प्रकार से जी का विपरीत क्रम होता है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या होता है, ये देखिए ई का हम लोगों के सामने क्या हो, ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हम लोगों के सामने ई का क्या होना चाहिए, ये देखिए, तो ई का अगर देखा जाए दोस्तों भी होगा, यहाँ पर गलती किए, ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा, और यहाँ पर जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने टी होता है। उसी प्रकार से जी का क्या होता है दोस्तों, टी, यानी भी और डबल टी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग दिया है, विपरीत क्रम, यानी कहने का मतलब आप बेसिक बात को समझिए, ए का विपरीत क्रम होता है जेड, बी का विपरीत क्रम होता है वाई, सी का विपरीत क्रम होता है एक्स। अगर इधर ए लिए तो उधर जेड, इधर बी लिए तो उधर वाई, सी इधर लिए तो एक्स, उधर डी लिए तो डब्ल्यू। इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो प्रश्न चिन्ह दिया है दोस्तों, वहां पर आखिर इनमें से कौन सा भरा जाएगा इन चार ऑप्शन में से, जल्दी से एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कैसे कीजिएगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, जैसे यहाँ पर दो बार वर्ग लिखा है, ये देखिए एक वर्ग हम लोगों का इस तरीके से बनाया, उसके अंदर एक हम लोगों का क्या दोस्तों वर्ग इस तरीके से दिया है, उसके बाद एक गोला है दोस्तों, आप गोला के अंदर में त्रिभुज लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, वो सब कुछ नहीं किया, खाली एक वो ये जो गोला वाला आकृति है उसको हटा दिया है, और त्रिभुज को पेंट वाला को खाली कर दिया। इसका संबंध इस तरीके से, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा हम लोगों का इस तरीके से होगा, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, और एक भाग हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों हटा देंगे, वो जो षष्ठभुज है उसको हटा देंगे, और इसके बीच में एक क्या कर देंगे दोस्तों गोला बना देंगे। यानी कहने का मतलब प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस सौदृश्यता एनालॉजी से संबंधित दिया गया, बस आपको सोचना है कि पहला का संबंध आखिर दूसरा कैसे दिया है, उसी प्रकार से तीसरा का चौथा से निकालना होता है। इस तरीके से यानी एक आकृति को उसने गायब किया है, यानी बीच वाला जो गोला वाला था उसमें दोस्तों, यानी कि उसमें पहले वाला हम क्या, तो इसी प्रकार से इसमें षष्ठभुज को क्या कर देंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, यानी कि वहां पर इस आकृति को हटा देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नौवां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। ये देखिए कह रहा है यहाँ पर क्या, वह आकृति जिसमें प्रश्न आकृति निर्दिष्ट भाग यानी प्रदर्शित किया, कहने का मतलब ये जो फिगर दिख रहा है वो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, हूबहू वही लिखा है वहां पर कि उत्तर आकृतियों में से किसमें प्रश्न आकृति के निर्दिष्ट भाग प्रदर्शित किए गए हैं, प्रदर्शित यानी कि हूबहू वही भाग दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन में अगर देखेंगे तो नहीं दिखेगा, दूसरा में भी देखेंगे तो नहीं दिखेगा, तीसरा, यहाँ तो तीसरा में बिल्कुल हम लोगों का दिख जाएगा दोस्तों, यानी हूबहू देखिए सारा आकृति आपका मिल जाएगा। और चौथा भी हम लोगों का इस प्रश्न का, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। मैंने साफ साफ लिखा है दोस्तों कि कैसे इस आकृति का किया जाएगा, देखिए ना हूबहू सारा पैटर्न हम लोगों का यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर, जैसे ये देखिए दो गो हम लोगों का यहाँ पर जैसे गोला वाला इस तरीके से क्या, उसके अंदर तो दो गो गोला, उसके बाद बिंदी, उसके बाद इस तरीके से सीढ़ी दिया है, सीढ़ी दिया, उसके बाद इस सारा आकृति मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले कह रहा है कि ए का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, गुना लिखा है, उसी प्रकार से डी से क्या अभिप्राय हम लोगों के सामने प्लस, उसी प्रकार से जी का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, तो कह रहा है कि जी का यहाँ पर लिखा है देखिए ना, जी यानी ए का अर्थ डी से अभिप्राय, उसी प्रकार से जी का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो जी के जगह क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए सात उसके बाद ए, तो ए के जगह गुना, उसके बाद चार, उसके बाद डी, तो डी के जगह देखिए तो अच्छा डी से अभिप्राय हम लोगों का, डी का तो क्या लिखे, अच्छा डी का तो आप लिखे थे सर प्लस लिखे थे, प्लस और उसके बाद चार, ए के सामने क्या लिखेंगे दोस्तों, ए के सामने हम लोगों के सामने दिया है देखिए, ए का संबंध दिया गया हम लोगों के सामने क्या लिखा है, गुना लिखा है, उसके बाद तीन, उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने जी, तो जी के जगह हम लोगों के सामने माइनस हो जाएगा, उसके बाद दो हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करना था, तो देखिए सात चौक क्या हो जाएगा, अट्ठाईस हो जाएगा, प्लस चार तिया बारह हो जाएगा, माइनस क्या दोस्तों दो, तो अट्ठाईस और बारह जोड़ेंगे तो हो जाएगा चालीस, माइनस दो कर देंगे तो इस प्रश्न का आंसर अड़तीस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अड़तीस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि वह विकल्प को चुना जो अनुक्रम को पूरा करे, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना, ये क्वेश्चन मार्क की जगह, तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर इस क्वेश्चन मार्क की जगह। ये देखिए जैसे सीरीज दिया है दोस्तों, ए लिखा है, ओ लिखा है और पी लिखा है, उसी प्रकार से आगे हम लोगों के सामने सी क्यू उसके बाद आर, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों ई एस उसके बाद टी, उसी प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ाया है जी उसके बाद U और लिखा है भी, उसी प्रकार से आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, सब में क्या कर दिए दोस्तों, बीच में आप कोमा लगा दीजिए और इसको आंसर कर दीजिए। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, ए से यदि आप सी पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, तो ए से सी पे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों का कितना लेटर जोड़ा है, ए के बाद बी और सी, तो यहाँ पर दो लेटर जोड़ा है, उसी प्रकार से सी से ई पे जा रहे हैं तो प्लस दो लेटर क्या है, ई से यदि जी पे जा रहे हैं तो प्लस दो लेटर, जी में जैसे ही दो लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों तो आई हो जाएगा, तो यहाँ पर आई से स्टार्ट होगा, उसके बाद देखिए आई वाला तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो दोनों ऑप्शन को चेक करना होगा। ये देखिए ओ से यदि आप जाएंगे दोस्तों क्यू पे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने प्लस दो, उसी प्रकार से क्यू से एस पे जाएंगे तो प्लस दो लेटर, ए बी सी डी में आपको सोचना था, एस से जाएंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर यू में जैसे ही दो लेटर जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा, तो डब्ल्यू वाला ये नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कभी गलती ना होगा इस तरीके के प्रश्न, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए पी से यदि आर पे जाएंगे, सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस दो कर दिया, यहाँ से यहाँ पर गया है प्लस दो कर दिया, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर गया है, सब में प्लस दो किया है, तो भी में जैसे ही प्लस दो कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 12 नंबर पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया है, कह रहे पेपर को मोड़कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा, यानी इस पेपर को दोस्तों यहां पर जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे कर दिया, उसके बाद ऐसे करके उसने, कहने का मतलब ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर जो है हम लोगों का एक कोना भाग उसने इस तरीके से मोड़ के दिखा दिया कि इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से देखिए ना इस तरीके से एक कोना भाग लेंगे दोस्तों यहाँ पर, और इस जगह
पर गोला दिया गया है। तो इसको जब खोलेंगे तो वही गोला हम लोगों के सामने किस तरीके से होगा दोस्तों, एक गोला इस जगह पर आएगा, यानी उसी प्रकार से जब यहाँ पर ये देखिए इस जगह नहीं होगा बल्कि हम लोगों का गोला कहाँ पर होगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको एकदम खोल के देख लीजिए कि ऐसा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जब खोलेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो हम लोगों का गोला इसी प्रकार से यहाँ पर, यानी कि एक गोला इस जगह पर हो जाएगा, एक गोला इस जगह पर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों तो एक गोला इस जगह पर आ जाएगा, एक गोला इस जगह पर, और उसी प्रकार से एक गोला इस जगह पर, इस जगह। कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा दोस्तों, बाकी कोई सही नहीं होगा, क्योंकि पेपर फोल्डिंग को आप जैसे खोलेंगे देखिए एकदम सीधा तो यहाँ पर आएगा, उसी प्रकार से दो को यहां पर आएगा दोस्तों, दो को यहां पर आएगा और दो को यहां पर आएगा। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि यहां पर पेपर फोल्डिंग वाले प्रश्न को कैसे करते हैं कि मोड़ कर दिखा दिया है कि ऐसे ऐसे मोड़े हैं, तो जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कोई ए कोई बी कोई सी कोई डी ऐसे ऐसे आंसर करने लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम में दर्शाना है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम, पहले धातु होगा कि प्रक्रिया होगा, कच्ची धातु शुद्ध करना या मिश्र धातु। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि कच्ची धातु किसका प्रयोग होगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों के सामने कच्ची धातु। कच्ची धातु को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसका प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रक्रिया हो जाएगा, कच्ची धातु के बाद हम लोगों का प्रक्रिया करेंगे, और प्रक्रिया के बाद उसको क्या करेंगे दोस्तों, शुद्ध करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का शुद्ध धातु। और शुद्ध धातु के बाद हम लोगों के सामने, यानी शुद्ध करना, यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, शुद्ध करना, तो इस जगह कर लीजिए, यानी शुद्ध, और यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, करना। तो शुद्ध करना के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, धातु का निर्माण हो जाएगा, और धातु आगे चलकर क्या करते हैं दोस्तों, मिश्र धातु का निर्माण कर लेंगे, यानी कि अलग अलग बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मिश्र धातु। तो इस तरीके से आप क्रम रखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए कौन कौन आप क्रम रखे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या रखे, तीन रखे, उसके बाद हम लोगों के सामने दो रखे, तीन, उसके बाद हम लोगों के सामने दो, उसके बाद चार, उसके बाद एक, और उसके बाद पांच। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, एक मीनिंग निकालना होता है, सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों एक मीनिंग, अर्थ इसका निकालना, यानी पहले कच्ची धातु लेंगे, कच्ची धातु के बाद उसका प्रक्रिया करेंगे, प्रक्रिया करने के बाद उसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध होने के बाद धातु निकलेगा, और वही धातु जब अलग अलग जगह पर प्रयोग करेंगे तो मिश्र धातु से भी कर सकते हैं, और धातु का भी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष कह रहा कि पाकिस्तान ने एक कह रहा कि दोस्तों अंतमुखी प्रकार की नाभिकीय युक्ति विस्फोट किया। यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अंतर्मुखी प्रकार की नाभिकीय युक्ति का विस्फोट किया। इसमें देखिए लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूप से पाकिस्तान अस्त्रों की पूर्ति करता है। उसके बाद लिखा है दोस्तों ए नंबर और बी नंबर। अब देखिए निष्कर्ष दिया है कि यह युक्ति हम लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजी गई, तो ये हम लोग यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से पाकिस्तान को अस्त्र की पूर्ति कराता है। उसके बाद लिखा है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक नाभिक का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो निष्कर्ष दिया है दोस्तों, आपको बताना कि इन दोनों में से कौन सा सही और कौन सा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष को कैसे करेंगे, ये देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक अंतर्मुखी प्रकार के नाभिकीय युक्ति का विस्फोट किया। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र की पूर्ति कराता है। तो ठीक है, यहाँ लिखा है कि यह युक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजी गई थी, तो ये बात हम लोगों के सामने नहीं कहा जा सकता है कि विस्फोट जो कराया उसी ने भेजा था, ये नहीं हो सकता। कह रहा है कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक नाभिकीय प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हम लोगों का सही होगा, और इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष दो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए वहां पर लिखा है कि पाकिस्तान के एक अंतर्मुखी प्रकार की नाभिकीय युक्ति का विस्फोट किया है, ये बात बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति करता है, दो बात दिया है, और यहाँ पर निष्कर्ष में कह रहा है दोस्तों कि यह युक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजी गई थी, और दूसरा में लिखा है दोस्तों कि पाकिस्तान के वैज्ञानिक नाभिकीय प्रयोग कर रहे हैं, तो दूसरा सही होगा, पहला हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। हम लोग ये नहीं कह सकते ये जो विस्फोट किया था उसी ने भेजा था, ये बात वहाँ क्लियर नहीं है, इसीलिए पहला गलत होगा, दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट दोनों सही कर देते हैं जो कि गलती हो जाएगा, और जो एजेंसी कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या दिया दोस्तों, सही
सही दिया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर कर हम लोगों के सामने कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा, विषम का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने ई संख्या हम लोगों के सामने देखिए 35 हो गया और उसके बाद 63 हो गया, दोनों संख्या हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 7 से भागा लग जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए 56 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 65 हो गया, तो क्या हम लोगों के सामने ई 7 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा। उसी प्रकार से ये देखिए ये दोनों संख्या दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 7 से भागा लग जाएगा। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 7 से भागा लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो है हम लोगों का 65 में 7 से भागा नहीं लगेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों सही होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे। हुआ क्या है कि सब संख्या में देखिए दोनों संख्या में 7 से भागा लग रहा है, पहला संख्या में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 और जो 49 लिखा है तो उसमें 7 से भागा, 7 चौक 28 49, उसी प्रकार 7 दुना 14 उसके बाद 42, उसी प्रकार से यहाँ पर 35 और 63 तो 7 से कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों गलती होगा, क्योंकि यही हम लोगों का विषम यानी अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 65 जो है 7 से भागा नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स यानी आवयव वाले प्रश्न दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोगों के सामने कहा जा रहा है दोस्तों कि इसका जो है आवयव आपको बताना है, कि इस आवयव को यानी कि एक मैट्रिक्स दिया गया और इसका बताना है कि कौन सा हम लोगों का आंसर निकलेगा। ये देखिए करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलता है, हमेशा आप इस तरीके के प्रश्न क्या करते हैं दोस्तों पीछे से चेक करते हैं, जैसे हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं और चेक करते हैं, जैसे 8 और 8 लेते हैं तो आखिरी में देखिए पी एच जी डब्ल्यू है तो 8 8 में एच आ रहा है, तो 8 हम लोग कौन लाइन में देखेंगे, पहले इस लाइन, यानी कहने का मतलब देखिए 1 से लेकर 8 तक पहले इस लाइन में देखते हैं और फिर यानी इस लाइन में, तो यहाँ पर 4 तक है, यहाँ पर 8 तक है, तो हम लोग दूसरा वाला आवयव में जाएंगे क्योंकि 8 8 से शुरू है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 और इधर से आ जाएगा हम लोगों के सामने 8, ये देखिए डब्ल्यू आर आखिरी में, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि पहला से इससे हो गया। अब 2 और 4 को लीजिए, तो जैसे 2 लेंगे तो 2 इस लाइन में लेंगे और इधर से 4 लेंगे, क्या आया दोस्तों हम लोगों के सामने बी आया, तो बी है क्या, नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही छांट देंगे कि पहला ऑप्शन हम लोगों के सामने नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा ऑप्शन में, दूसरा जैसे उठाएंगे 8 और 7, तो ये देखिए 8 और 7 यानी डब्ल्यू आपको लाना है, तो यहाँ पर 8 कहाँ होगा दोस्तों, पहले इस लाइन, पहले इस लाइन में, यानी कहने का मतलब जो होता है पहले यही दोनों लाइन में देखना होता है, 1 से 4 तक, यहाँ तक 8 तक है, तो इन्हीं दोनों लाइन में आपको देखना होता है, 8 वाला अंक इसमें है तो यहाँ पर 8 और इधर से लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने 7, ये देखिए एम आ रहा है, तो क्या आखिरी में एम है, यहाँ तो डब्ल्यू है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। एकदम आपको जो तरीका बता रहे हैं दोस्तों एक बार आप गौर कीजिए, कभी भी आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पीछे से चेक कर रहे हैं तीर का निशान, तो 1 गलत, दूसरा गलत, अब तीसरा को उठा के देखते हैं, तो तीसरा में जैसे लेंगे 8 और 8, तो अभी 8 8 आप चेक किए देख बार, यहाँ से 8 और यहाँ से 8, तो W तो आ रहा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से 4 और 2 को लेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 4 तो इसी जगह आ रहा है, इधर से हम लोगों के सामने 2 आ रहा है, तो G आ रहा है, तो ठीक है ये यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद 2 और 3 लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर लेंगे दोस्तों 2 और उधर से 3 लेंगे तो A आ रहा है, तो A तो है ही नहीं, 2 और 3 में ले रहे हैं तो A आ रहा है, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर निसंदेह, जब 1 2 3 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, चौथा क्या होगा दोस्तों सही होगा। और चेक करके भी बता देते हैं, देखिए जैसे 7 और 5 है तो 7 और 5 7 कौन लाइन में, तो इस लाइन में 7 नहीं दिख रहा है, इस लाइन में हम लोगों के सामने 7 कहाँ है, यहाँ पर है। उसके बाद ये देखिए 5 यहाँ से लिए तो W आया कि नहीं, तो W तो बिल्कुल आप बोलिए रहे कि सर आखिरी में W है। उसके बाद 4 और 2 लीजिएगा, 4 कौन लाइन में जाएगा, तो 4 यहाँ पर आएगा सर, और इधर से हम लोगों के सामने 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, तो G है ये है। उसके बाद हम लोगों के सामने 3 और 2, तो एकदम उठा लीजिए दोस्तों 3 और 2, तो कहाँ मिल रहा है 3 और 2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इधर से 2 लेंगे तो क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए 3 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से लेंगे दोस्तों, यानी 3 और इधर से 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों H हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।